हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिस सर स्टडी पॉइंट। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल का मेन्स एग्जाम 30 जून को हुआ है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट इंटरव्यू को लेकर परेशान हैं। दोस्तों, परेशान होने का कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे प्रिपेयर होना है, यानी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू, और फाइनल कट ऑफ के बारे में भी मैं आलोचना करने वाला हूं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों, इंटरव्यू देने से पहले आपको दो टॉपिक्स हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट, योर रिस्पॉन्स, यानी कि आपका क्या दायित्व है इंटरव्यू को लेकर, और आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि आपको क्या करना है इंटरव्यू देने से पहले, और देन इंटरव्यूअर्स आपको कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि कौन सा सवाल हर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स से पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए और बारीकी से समझे। तो दोस्तों, फर्स्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपको क्या करना है, आपका दायित्व कैसा होगा। फर्स्ट, यू हैव टू नो अबाउट द सर्विस अ लिटिल बिट, यानी कि आप जो भी सर्विस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस सर्विस के बारे में जानिए, उस नौकरी के बारे में जानिए। देन बी प्रिपेयर टू आंसर बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाइए। ड्रेस स्मार्ट एंड डोंट बी लेट, यानी कि स्मार्टली ड्रेस पहनिए और इंटरव्यू के वेन्यू पर जल्दी से पहुंच जाइए। बी ऑनेस्ट एंड स्टिक टू योर ग्राउंड, यानी कि अपने आंसर में सत्यता होनी चाहिए और अपने आंसर में अड़ी हुई रहना चाहिए आपको। ब्रिंक इन समथिंग फ्रेश एंड न्यू टू योर आंसर, यानी कि हर एक वक्त जब भी आप आंसर दे रहे हैं उस आंसर में कुछ नया होना चाहिए ताकि इंटरव्यूअर्स को आप अट्रैक्ट कर सके। स्टीयर द इंटरव्यू टवर्ड्स योर स्ट्रेंथ, जब भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर देते समय ऐसे आंसर देंगे कि इंटरव्यूअर्स आपके तरफ हो जाएंगे। टॉक अबाउट योर स्किल एंड अकॉम्प्लिशमेंट, जब भी आपके निजी जिंदगी में व निजी जिंदगी से जुड़ी हुई बात को उनके सामने रखेंगे तब आप अपने सक्षमता और अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में जरूर बताइए। तो दोस्तों, दूसरा पड़ाव, यानी कि कौन कौन सा क्वेश्चंस इंटरव्यूअर से पूछे जाते हैं हर एक इंटरव्यू में। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ये 5 कॉमन सवाल और उनके संभावित जवाब के बारे में मैं आज बताऊंगा। फर्स्ट, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में बताइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। लगभग सभी इंटरव्यू में पूछे जाने वाला पहला सवाल यही होता है, अपने बारे में बताइए। कैंडिडेट से इस सवाल को पूछने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि नियोक्ता कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस लेवल और कम्युनिकेशन स्किल्स को देखना चाहता है। तो आपका जवाब क्या रहना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए, जब आपसे पूछा जाए कि आपने बारे में बताइए तो आपका जवाब सिर्फ 40 से 50 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब देते समय अपना पूरा नाम, किस शहर से हैं, स्कूल शिक्षा में मिले प्रतिशत और कॉलेज की शिक्षा के बारे में जैसे कोर्स और प्रतिशत बताना चाहिए। इसके अलावा आपको सिर्फ वही बते बताना है जो उस कंपनी और नौकरी से संबंधित हो, उसके अलावा कोई भी फालतू बातें करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डू यू नो अबाउट वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस, यानी कि आप जब कांस्टेबल के इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको ये सवाल जरूर पूछा जाएगा इंटरव्यूअर्स की तरफ से, यानी कि आप इस सर्विस के बारे में क्या जानते हैं। इस सवाल को पूछने का मतलब है कि आप इस नौकरी को लेकर कितने गंभीर हैं। उस सवाल के पीछे इंटरव्यूअर यही जानना चाहते हैं कि अपने इस इंटरव्यू के लिए दूसरों से अलग क्या तैयारी की है। इस सवाल का जवाब देते समय आपको
कंपनी यानी कि सर्विस के बारे में विस्तार से बताना चाहिए, ना आपकी कंपनी इस क्षेत्र में बेस्ड है कहकर छोड़ देना चाहिए। तो आपका जवाब क्या रहेगा? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको बताना चाहिए आपको इस सर्विस को ज्वाइन करना है अपने देश के लिए, अपने देश के लिए आप मर मिट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस सर्विस, यानी कि आपने इस फील्ड को ही कैरियर के रूप में क्यों चुना है। यह भी कॉमन सा सवाल है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। इस सवाल को पूछने का मतलब है कि आप इस फील्ड और अपने काम को लेकर कितने गंभीर हैं। इसके अलावा इस सवाल के जरिए इंटरव्यूअर ये भी जानना चाहता है कि आपको इस काम में दिलचस्पी है या नहीं। इस सवाल का जवाब में ध्यान रखें, इस काम में बहुत पैसा है, मैंने ग्रेजुएशन इस ब्रांच से किया है, माता पिता का सपना था कि मैं ये काम करूं, जैसे जवाब देने से बचना चाहिए। तो आपको इस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए? इस सवाल को जवाब देते समय अपने स्कूल और कॉलेज के अनुभवों के बारे में बताते हुए जवाब देना चाहिए। आपके जवाब में ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप किसी मजबूरी में या कि किसी की बातों में आकर इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, योर स्ट्रेंथ और क्वालिटीज, यानी कि अपनी क्वालिटीज के बारे में हमें बताइए। इस सवाल के जरिए इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि आप कितना सकारात्मक हैं और अपनी क्वालिटीज के बारे में कितना जानते हैं। इस सवाल का जवाब देते समय अधिकतर कैंडिडेट को मैं मेहनती हूँ या मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ, जैसे जवाब देने से बचना चाहिए। तो आपको क्या जवाब देना चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए आप कह सकते हैं, किसी काम को करने से पहले मैं उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाता हूँ और उससे जुड़े हर पहलू पर सोचता हूँ, फिर अपनी मेहनत से उस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ, शायद यही क्वालिटीज मुझ में सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर वीकनेस, यानी कि अपनी कमजोरी के बारे में बताइए। लगभग सभी इंटरव्यू में ये सवाल कॉमन होता है। इस सवाल के जरिए इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश करता है कि आपका मनोभव और धैर्य कैसा है। लेकिन अक्सर लोग इस सवाल के जवाब में ये गलतियां कर देते हैं। वे कहते हैं, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मुझे नींद ज्यादा आती है, मुझ में धैर्य की कमी है, यदि जैसे गलत जवाब देते हैं। तो आपका जवाब कैसा होना चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए आप ये कह सकते हैं कि मैं किसी काम को पूरा करने के लिए तय समय से ज्यादा वक्त लेता हूं, या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी काम को करने में मुझे और लोगों से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि मैं अपने काम को परफेक्शन के साथ करता हूं। तो दोस्तों, ये था वो 5 सवाल जो लगभग हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आप बात करते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में। फाइनल कट ऑफ आप जानते ही हैं, मेन एग्जाम जो कि 85 मार्क्स का हुआ था और इंटरव्यू होगी 15 मार्क्स का, यानी कि आउट ऑफ 100 आपको कितना मार्क्स सिक्योर करना है। जनरल के लिए 45, ओबीसी बी के लिए 42, ओबीसी ए के लिए 40, एससी के लिए 37, एसटी के लिए 35। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।